उपायुक्त कांगड़ा सीपी वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनावों की घोषणा से पहले ही बड़ा भंगाल की रेकी की जा चुकी है और यहां के पोलिंग बूथ पर हर बूथ की तरह मतदाताओं को सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। बड़ा भंगाल तक पहुंचना बड़ा ही कठिन काम है और यहां पर जाने के लिए चॉपर की मदद ली जाती है। पहाड़ों को पार करके जाना पड़ता है और रास्ता बड़ा ही दुर्गम है। यहाँ के लोग सर्दियों के मौसम में निचले इलाकों में आ जाते हैं, लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं। जिला चुनाव अधिकारी सीपी वर्मा ने कहा कि जो भी हो, इस बार किसी भी मतदाता को उसके मत के अधिकार से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। इसके बारे में हमने पीछे भी प्रयास किया था, अभी तो जो चुनाव आयोग के अब तो आचार संहिता लगी उससे पहले हमने उसकी रैकी की थी, लेकिन हम नीचे लैंड तो नहीं कर पाए, लेकिन उस क्षेत्र के भौगोलिक रूप से हमने रैकी कर ली है और वहां पे क्योंकि वो इतना दुर्गम क्षेत्र है कि लगभग 16-17 हजार की हाइट के ऊपर के पास को क्रॉस करके आपको जाना पड़ता है, तो हमने वहां पे चॉपर सुविधा से जो हमारी पोलिंग पार्टीज हैं वहां पे रवाना होगी और उनके लिए समुचित प्रबंध उनका ठहरने का किया जाएगा और वहां पे जो वोटर्स हैं वहां पर किसी भी वोटर को अपने मतदान से वंचित न होना पड़ेगा हम सुनिश्चित कराएंगे। तो सर बड़ा बंगाल में कितने वोटर हैं? बड़ा बंगाल में अभी हमारे पास रफली 250 के आसपास हैं, लेकिन वो कुछ उनमें से अभी आने वापस हो जाएंगे, नीचे आ जाते हैं, वो बीड बिलिंग में आ जाते हैं, निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं, तो अंततः गतवा जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब इलेक्शन होंगे नवंबर के महीने में तो ज्यादा तो नहीं होंगे, मेरे को लगभग 100 के आसपास मतदाता वहां पे पीछे रह जाए। गौर रहे कि बड़ा भंगाल पहुंचने के करीब 75 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने के पश्चात वहां पहुंचा जाता है। जिला कांगड़ा के उपमंडल बैजनाथ का एक अति दुर्गम एवं पिछड़ा क्षेत्र है बड़ा भंगाल। समुद्र तल से लगभग 2650 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस क्षेत्र में लगभग 150 परिवारों के 650 लोगों की आबादी वाली इस पंचायत के लोग अभी भी सड़क सेवा से महरूम हैं।